क्या आप जानते हैं कि आज से 10 से 15 साल पहले आसमान में गिद्ध दिखाई दिया करते थे, लेकिन आज के डेट में आपको दिखाई नहीं देते। आखिर गायब कहाँ हो गए, क्या कारण है? तो देखेंगे, प्रकृति ने हर प्राणी को एक नियम के तहत बनाया है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी दे रखी है। गिद्धों को जो बनाया गया था, गिद्धों के लिए जिम्मेदारी जो दे रखी है वो है प्रकृति को साफ सुथरा रखना, यानी पर्यावरण को साफ सुथरा रखना उनकी जिम्मेदारी था। लेकिन हमारी गलती की वजह से आज ये विलुप्त के कगार पे हैं। तो आप देखेंगे, एक जानवरों को दी जाने वाली दवा होती है जिसका नाम है डाइकोफेलेनॉल। ये दवा दर्द के लिए दी जाती है, लेकिन देने के बाद होता यह है कि जैसे ये जानवर की डेथ हो जाती है और जैसे इस जानवरों को जब गिद्ध खाते हैं तो खाने के बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। तो ऐसे करते करते आज के डेट में देखेंगे कि 97% गिद्धों की संख्या में कमी आ गई है। आप सोचिए, सिर्फ 3% ही गिद्ध बचे हुए हैं। तो आप देखेंगे, इस तरीके से आप पूरी एशिया की बात किया जाए तो पूरी एशिया में लगभग विलुप्त के कगार पे आ गए हैं। यानी IUCN का जो रेड लिस्ट जारी होता है डेटा, उसमें आप देखेंगे एक्सटिंक्ट के कगार पे ये हमारा गिद्ध आ चुके हैं। जैसे ये गवर्नमेंट को पता चलती है कि गिद्धों की संख्या कमी हो रही है, इस कारण से डेथ हो रही है, तो उसने गवर्नमेंट ने बैन कर दिया इस दवा को। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसके बाद आप देखेंगे शहरों में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है, वृक्षों की कटाई हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि पक्षियों का भी रैन बसेरा है वो खत्म होते जा रहा है, जिसके कारण पक्षी भी विलुप्त के कगार पे आ चुके हैं। तो सोचिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं।